मेरी गैया। कोकिला अपने गांव की एक प्रतियोगिता में भाग लेती है, जहां पर गांव की बाकी लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर कढ़ाई करके वस्त्र बनाती हैं। सबसे अच्छा वस्त्र बनाने वाली लड़की को एक गाय इनाम में मिलने वाली थी। कोकिला चाहती थी कि उसे ये पुरस्कार मिले। बहुत सुंदर कलाकृतियां बनाती और प्रतियोगिता में भी वो अव्वल आ जाती है। कोकिला नई नवीली गैया को लेकर अपने घर पहुंचती है और अपनी अम्मा से कहती है, माँ देखो मैंने प्रतियोगिता जीत ली। ये देखो हमारी गाय, देखो ना कितनी प्यारी है माँ। अरे क्या कह रही है, सच में तेरी मेहनत रंग लाई मेरी बच्ची। वाह कितनी सुंदर, एकदम दूध जैसी गोरी गाय मिली है। अरे वाह, सारी गरीबी दूर हो जाएगी इस गैया से। आजा आजा इसकी पूजा करते हैं और इसे तिलक लगा देते हैं, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। कोकिला और उसकी माँ गैया को पाकर बहुत खुश थे। गैया मिलने से उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अब वो दूध बेचकर एक अच्छा व्यापार शुरू कर सकती है। लेकिन कोकिला का गैया को जीत जाना कई लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। पड़ोस में रहने वाली श्यामा को इस बात से बहुत चिढ़ थी। ये कोकिला अपने आप को समझती क्या है, मैंने भी तो मेहनत की थी, इतनी प्यारी फ्रॉक बनाई थी, मगर उस सरपंच ने इनाम दे दिया इस कोकिला को। और ये गैया, देखती हूँ ये इसके पास कैसे रहती है। आज रात को इसे चुरा लूंगी और अम्मा इसे कल जाकर शहर में बेच देना, देखते हैं इस कोकिला के दिन कैसे फिरते हैं। कोकिला अपनी गैया को पाकर इतनी खुश थी कि उसकी खुशी का ठिकाना ना था। उसने लाड प्यार में अपनी गैया के पैरों पर अपनी मन पसंद नेल पॉलिश लगा दी और अपनी गैया से सो जाने के लिए कहा। कोकिला और उसकी माँ गैया को आंगन में सुलाकर सोने चले जाते हैं और उधर श्यामा मौका पाकर उनकी गाय को चुरा लेती है। सुबह उठकर कोकिला हैरान रह जाती है जब उसे अपनी गैया नहीं मिलती। माँ माँ हमारी गैया कहाँ गई, माँ उठो देखो कोई नहीं दिख रहा है। कोकिला और उसकी माँ पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं लेकिन उसे गैया नहीं मिलती। अचानक उसे गाय के पैरों के निशान श्यामा के घर की तरफ नजर आते हैं। वो जब श्यामा के घर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक भूरे रंग की गाय खड़ी है। गाय जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है और कोकिला को लगता है कि ये उसी की गाय है, मगर रंग बदला हुआ होने के कारण कोकिला बहुत हैरान थी। तभी कोकिला को याद आता है कि उसने अपनी गाय के पैरों में नेल पॉलिश लगाई थी। वो ध्यान से देखती है तो गैया के पैरों में नेल पॉलिश थी। वो समझ जाती है। वो एक बाल्टी पानी लेती है और गैया पे फेंक देती है। तभी श्यामा भागती हुई आती है। क्या कर रही हो, हमारे आंगन में कैसे आई तुम। इतने में गैया के शरीर से पानी गिरने लगता है और वो भी रंगीन। धीरे धीरे गैया का रंग एकदम सफेद हो जाता है और सारी बात सबको समझ में आ जाती है। श्यामा बहुत शर्मिंदा होती है। श्यामा को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। वो उसे माफी मांगती है और कोकिला भी उसे हंसी खुशी माफ कर देती है और अपनी गैया लेकर फिर से घर लौट आती है और खुशी खुशी रहने लगती है। पांच पैसा चोर। एक गांव में किशन नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही शैतान और बदमाश था। वो चाकू छुरी चलाने में बहुत माहिर था और वो इसी के बल पर पूरे गांव में चोरी और डाके डाला करता था। पूरे गांव के लोग उससे बहुत ही परेशान थे। एक दिन गांव के सभी लोग मिलकर सरपंच के पास उसकी शिकायत लेकर गए। सरपंच जी देखिए, इस किशन ने बहुत तंग किया हुआ है, जब देखो हमें लूटता रहता है। अब तो इस गांव में रहना मुश्किल हो गया है, आप कुछ कीजिए वरना हम सभी लोग गांव छोड़कर चले जाएंगे। गांव वालों की शिकायत सुनकर सरपंच ने कहा, ठीक है मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं कल ही शहर जाकर बड़े थानेदार साहब से बात करता हूँ, वही कुछ हल निकालेंगे। और अगले दिन सरपंच किशन की शिकायत लेकर गांव से शहर बड़े थाने गया और सरपंच ने वहां जाकर इंस्पेक्टर विजय को सारी बात बताई। सरपंच की बात सुनकर इंस्पेक्टर विजय ने हवलदार से कहा, अरे हवलदार सुनो, अभी जीप निकालो, हम खुद जाकर गाँव में रहेंगे, फिर देखते हैं किशन कैसे बचता है। और इंस्पेक्टर विजय सरपंच और अपने साथियों को लेकर गांव में बिना वर्दी के आ जाता है।
और उसी रात इंस्पेक्टर विजय किशन को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेता है और उसे जेल में बंद कर देता है। जेल में किशन बांस के फर्नीचर बनाने का काम सीखता है, लेकिन वो सुधरने के लिए नहीं बल्कि किसी और मकसद से ये काम सीख रहा था। अपनी सजा काटने के बाद जब किशन बाहर आता है तो वो फिर से चोरी करना शुरू कर देता है और दिखावे के लिए गांव में ही एक बांस के फर्नीचर बनाने की दुकान खोल लेता है। लेकिन कुछ दिनों बाद किशन शहर जाकर वहाँ एक बड़े बैंक में चोरी करता है और सारा पैसा एक बड़े बांस के फर्नीचर में छुपा देता है ताकि किसी को पता ही नहीं चले। अगले दिन सुबह शहर में हंगामा मच जाता है और इंस्पेक्टर विजय को इसकी छानबीन करने के आदेश दिए जाते हैं। इंस्पेक्टर विजय को सीधा सीधा किशन पे शक होता है और वो पुलिस को लेकर किशन की दुकान में आते हैं। अरे किशन, कैसे हो भाई? आइए साहब, आइए, देखिए ना, मैंने तो सब चोरी चकारी छोड़ दिया है, बस अब मेहनत करता हूँ, दो रोटी कमा लेता हूँ। अरे वाह किशन, तुमने तो बड़ा अच्छा फर्नीचर बनाया है भाई। अरे ये इतने मोटे बांस की कुर्सी ये किसने बनवाई है भाई? अरे नहीं साहब, ये तो बस मैंने दुकान में रखने के लिए बनाई है, लोगों को सैंपल दिखाना पड़ता है ना, इसीलिए मैंने मोटे बांस की बनाई है ताकि ज़्यादा दिन तक टिकी रहे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है भाई, हमें इसे भेज दो। अरे नहीं साहब, जैसा मैंने कहा ना, ये तो बस दुकान में रखने के लिए बनाई है। किशन की बात सुनकर इंस्पेक्टर को उस पर शक होता है और वो अपने खोजी कुत्तों को बुलाता है। खोजी कुत्ते जैसे ही किशन की दुकान में आते हैं तो मोटे बांस की कुर्सी की ओर देखकर भौंकने लगते हैं। कुत्तों को भौंकता देखकर इंस्पेक्टर विजय सारी बात समझ जाता है और वो तुरंत सिपाहियों को आदेश देता है कि बांस की कुर्सी को तोड़ दिया जाए। सिपाही बांस की कुर्सी तोड़ते हैं और सभी लोग हैरान रह जाते हैं, उसके अंदर से तो नोट ही नोट निकल रहे थे, वो भी बैंक के डाके वाले नोट। और किशन की बांस में पैसा छुपाने की साजिश नाकामयाब होती है और पुलिस उसे पकड़कर जेल में बंद कर देती है और फिर से सभी लोग गांव में निश्चिंत होकर रहने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, चोरी का फल बुरा ही होता है। विशाल सांप का बचाव। चांदपुर गांव में प्रवेश नाम का एक आदमी रहता था, वो बहुत ही गरीब था। वो गांव में लोगों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर किया करता था। प्रवेश इतना गरीब था कि उसके पास गांव में रहने के लिए घर भी नहीं था। गांव में सभी लोग उसे रोटी और कपड़ा तो दिया करते थे, लेकिन रहने के लिए कोई उसे मकान नहीं दिया करता था, ना ही उसे कोई गांव में रुकने देता था। इसीलिए वो गांव के बाहर तालाब के पास एक झोंपड़ी बनाकर रहता था, क्योंकि उस तालाब के पास गाँव का कोई आदमी नहीं जाता था। सब लोग उस तालाब में रहने वाले एक बहुत बड़े सांप से डरा करते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि वो सांप तालाब के पास जाने वाले हर जीव को खा जाता है। प्रवेश भी वहाँ पे डर डर कर रहने लगा, लेकिन वो वहाँ झोपड़ी बनाने के बाद सबसे पहले तालाब में पूजा करने गया। हे तालाब में रहने वाले नाग देवता, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, कृपया मुझे यहाँ तालाब के पास झोपड़ी बनाकर रहने दो, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप मेरी रक्षा करो और समय आने पर मैं आपके लिए जो हो सके वो करूँगा। प्रवेश के ऐसा कहते ही तालाब में से एक बहुत बड़ा सांप बाहर निकला और वो अपना फन फैलाकर प्रवेश के सामने खड़ा हो गया। प्रवेश की धड़कनें रुकने लगी थी, लेकिन तभी वो सांप जैसे तालाब से बाहर आया था वैसे ही तालाब में वापस चला गया। ये देखकर प्रवेश ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और इस तरह प्रवेश वहाँ तालाब के पास झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। वो दिन भर गांव में काम करता और शाम को आकर अपनी झोंपड़ी में रहने लगता। कई साल ऐसे ही बीत गए, लेकिन एक दिन प्रवेश हैरान होकर देखने लगा कि उस तालाब के पास काफ़ी सारे लोग इकट्ठे थे, कई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी वहाँ थी और गाँव के सरपंच भी वहाँ थे, जो एक आदमी से कुछ कह रहे थे। अरे इंजीनियर साहब, यही है वो तालाब जहाँ पे बहुत बड़ा सांप रहता है, अब यहाँ से सड़क बनानी है तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा। ये बात सुनते ही प्रवेश समझ गया कि जो गांव के पास से सड़क बननी थी वो इस तालाब के पास होकर गुजरेगी। तभी वहाँ खड़े एक बहुत बड़े इंजीनियर ने कहा, अरे सरपंच जी, आप फिक्र मत कीजिए, ऐसे सांपों को तो हम 2 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, कुचल के रख देंगे इस नाग को।
ऐसा सुनते ही परवेश वहां आया और वो हाथ जोड़कर सरपंच और इंजीनियर से कहने लगा, अरे साहब आप सांप को मारिए मत, वो कुछ नहीं कहेगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं इस सांप को यहाँ से लेकर कहीं चला जाऊंगा, अगर आप कहें तो मैं पास वाले जंगल में चला जाऊंगा, आप उसे मारिए मत। अरे अरे रुको रुको, कौन हो तुम? सरपंच ने प्रवेश के बारे में सभी लोगों को बताया। सरपंच की बात सुनकर फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम ऐसा करते हो तो हमें कोई एतराज नहीं है, वो सांप जंगल में बड़े आराम से रह सकता है, अगर चाहो तो तुम भी उसके साथ रह सकते हो। प्रवेश ने हाथ जोड़कर नाग देवता का ध्यान किया। नाग देवता प्रणाम, आपने सब सुन ही लिया होगा, अब हमारा यहाँ से जाने का समय आ गया है नाग देवता, आप कृपा करके मेरे साथ चलिए। और सांप प्रवेश के पीछे पीछे एक छोटे बच्चे की तरह जंगल में चला गया। सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए। अब प्रवेश और सांप जंगल में अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगे और गांव की तरक्की का रास्ता वो सड़क भी बड़े आराम से बन गई। इसीलिए कहते हैं ना कि प्यार से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं।